श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप साधना का शुरुआत कर रहे हैं तो कौन से ऐसे बीज मंत्र है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं, जो एकाक्षरी, त्रयाक्षरी, पंचाक्षरी, बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन बीज मंत्र का एक अपना महत्व होता है। आप चाहे तो सात्विक मंत्र करो या साबर मंत्र करो, वाम भाग का मंत्र करो या दक्षिणा मंत्र करो, कोई भी मंत्र करोगे उसमें बीज मंत्र समान रहता है और बीज मंत्र का जाप करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जिनके पास समय कम है उनको चाहिए, या फिर जो शुरुआती दौर में भी साधना शुरू कर रहा है उनको चाहिए कि कुछ बीज मंत्र जो है उसको सिद्ध करके रखें। वैसा करने से आगे की साधना बहुत आसान हो जाती है। या फिर जो ऐसे गृहस्थ है जिनको कोई बहुत विशेष मंत्र की साधना नहीं करनी है, उनको तो बिल्कुल ही पांच बीज मंत्र मैं आज बताऊंगा, वो पांचों बीज मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज समझो, जैसे मंत्र आप जब जाप करते हो तो आप लोगों को अग्नि सिद्ध होनी चाहिए क्योंकि हवन उसी में करेंगे, काली सिद्ध होनी चाहिए, भैरव सिद्ध होने चाहिए, गणपति सिद्ध होने चाहिए और महादेव सिद्ध होने चाहिए। ठीक है, तो बीजाक्षरी सिद्ध करने का सीधा सिद्धांत है कि अगर एक बीजाक्षरी आपको सिद्ध करना है तो जीवन में 96 लाख जाप आपको उसका करना चाहिए और एक बार प्रण लेने के बाद कम से कम 4 लाख जाप उस बीज मंत्र का होना चाहिए। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,51,000 का कोई हिसाब नहीं है। तो 4 लाख, एक बार आपने एक मंत्र का जब आपने श्रवण किया कि 1 लाख मंत्र, एक बीज मंत्र को मैं सिद्ध करने के लिए बैठ रहा हूँ, तो 4 लाख का आप संकल्प करेंगे। 4 लाख बीज मंत्र एक अक्षर ही होता है, तो 4 लाख सिद्ध करने में 21 दिन बहुत होता है। अगर 21 दिन भी आप ढंग से बैठ जाओगे तो 4 लाख आपका सिद्ध हो जाएगा। 4 लाख सिद्ध होने का मतलब है कि आपका वो बीज काम करने लगेगा आपके लिए, लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सा बीज मंत्र आप लोगों को सिद्ध होना चाहिए ये मैं अब आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला बीज मंत्र जो आप लोगों को सिद्ध होना चाहिए वो है गणपति बीज मंत्र। ठीक है, गणपति का बीज मंत्र होता है गम, ठीक है, या फिर ग्लौम। दोनों मंत्र से आप गणपति सिद्ध कर सकते हैं, गम या ग्लौम। तो सबसे पहला, अगर 5 बीज मंत्रों को आपने सिद्ध करके रखने का सोचा है तो उसमें गणपति का गम या ग्लौम बीज मंत्र सिद्ध कर लीजिए। ग्लौम सिद्ध करने के बाद अगला कौन सा सिद्ध करेंगे आप? सिद्ध करेंगे भैरव का बीज मंत्र। भैरव बाबा का ऐसे तो बहुत सारा मंत्र मिलता है, भम भम बम बम, इससे भी भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं, लेकिन भ्रम उनका जो बीज मंत्र है, भ्रम और भम, भम कम प्रभावी है लेकिन भ्रम, देखिए भैरव का बीज मंत्र भ्रम है, मतलब एक शब्द है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है कि किसी भी चीज में संशय डालना, वो भ्रम है। भैरव बाबा का बीज मंत्र है भ्रम, भ्र। देखो जैसे जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो ना तो कुछ शब्दों पर विशेष जोर देना होता है। ठीक है, जैसे जब भैरवी शब्द का उच्चारण होता है, ठीक है, बहुत जोर से हम बोलते हैं भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे, तो वो जो भ्राम भ्रीम भ्रूम भ्र और भ्रम भ्र दोनों में अंतर है, ये समझने की बात है। तो भैरव का जो बीज मंत्र है भ्रम, इसको सिद्ध करेंगे। भैरव की सिद्धि हो गई, अगली सिद्धि आप क्या करिएगा? आप करिएगा काली की सिद्धि, भगवती की सिद्धि। तो अगर देखो ऐसे तो 3 बीज मंत्र है, ठीक है, काली का है, लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, लेकिन शक्ति मार्ग में जब आप तंत्र साधना में आ जाते हो तो हम लोग काली को सिद्ध करते हैं और काली का बीज मंत्र क्रिम है।
ठीक है, तो कृम बीज मंत्र उसके बाद सिद्ध करेंगे। जो काली के मतलब जो लोग घर में पूजा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के घर में ऐसा है, तो वो भगवती देवी दुर्गा का बीज मंत्र दुम का भी साधना कर सकते हैं। चार साधनाएं हो गई, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने गणपति साधना, भैरव जी की साधना, उसके बाद काली की साधना या दुर्गा की साधना, इसके बाद आप महादेव का मंत्र सिद्ध करेंगे। शिव का बीज मंत्र क्या होता है? बहुत ये गूढ़ बात है। शिव का बीज मंत्र बहुत जगह पे कम दिया हुआ है। कम कम मतलब कम नहीं, मतलब हिंदी का शब्द कम नहीं, कम बीज है, ठीक है। लेकिन जिस बीज मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए शिव के लिए, वो बीज मंत्र है ह्रौम। ह्रौम, ह्रौम, ठीक है। तो ह्रौम का आप, जैसे शक्ति का बीज मंत्र ऋम होता है ना, वैसे शिव का बीज मंत्र होता है ह्रौम। तो ह्रौम की साधना करेंगे। ये चार बीज जब सिद्ध हो गए, तो फिर साधना का अगला जो लेवल आता है, जो अगला स्टेज आता है, वो होता है हवन का। तो हवन के लिए अग्नि सिद्ध होनी चाहिए, तो अग्नि का बीज मंत्र होता है रम, ठीक है। तो आप जैसे आप इसको लाल तारा की भी जब साधना करेंगे, तो उसमें भी रम का प्रयोग होता है, क्योंकि उग्र हो है ना मंत्र, तो रम 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 का अग्नि बीज का उसमें प्रयोग होता है। तो शुरुआत करेंगे गणपति के बीज मंत्र से, फिर जाएंगे भैरव जी के बीज मंत्र पे, फिर काली या दुर्गा को सिद्ध करेंगे, फिर महादेव को सिद्ध करेंगे, और फिर अग्नि सिद्ध करेंगे ताकि आपकी आहुतियां ले सके। अब देखो, इतना सिद्ध होने के बाद जब आहुतियों की बात आती है, तो बड़ा लोगों में एक संकोच है कि जो हम आहुति देते हैं, कभी फट स्वाहा बुलवा देते हैं पंडित जी तांत्रिक, कभी सिर्फ स्वाहा बुलवाते हैं, कभी खाली मंत्र से आहुति दिलवा देते हैं, तो होता क्या है, कैसे आहुति देना चाहिए साधना के बाद? बीज अगर आप कर रहे हैं, तो क्या सोच करके बीज कर रही है पहले समझ लेना है, और जब आप इसका तंत्र में प्रयोग करेंगे, तो स्वाहा, जैसे आम जनमानस स्वाहा बोलते हैं, तो मंत्र बोल के हुम बोल करके अगर आप आहुति दे रहे हैं, तो उससे उच्चाटन, आकर्षण या विद्वेषण हो सकता है, ठीक है। हुम स्वाहा नहीं बोलते हैं उसमें, हुम बोलते हैं, मंत्र बोल दिया उसके बाद अंत में हुम लगाएंगे, ठीक है। मारण या छेदन कार्य में सिर्फ फट बोलेंगे, फट स्वाहा नहीं, सिर्फ फट बोलेंगे, तो वो छेदन या मारण कार्य में प्रयोग होगा, ठीक है। अगर गृह शांति करना है, कहीं पे शांति कर्म आप कर रहे हैं, कहीं अनिष्ट हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आप बीज का प्रयोग करिएगा, तो बीज के बाद आप लगाइएगा हुम फट, सिर्फ हुम फट, हुम फट स्वाहा नहीं, हुम फट, ठीक है। अगर यज्ञ कार्य आप कर रहे हैं, सिर्फ मतलब यज्ञ के रूप में आप उसको कर रहे हैं, तो स्वाहा, ठीक है, मतलब उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे, आप सिर्फ देवता को भोग दे रहे, तो स्वाहा, ठीक है। शांति कार्य में भी स्वाहा, ठीक है। पुष्टि कर्म करेंगे तो वसौट लगता है, वसट। वशीकरण करना है तो स्वधा बोल सकते हैं, ठीक है, जो स्वाहा स्वधा नमोस्तुते होते हैं। और विद्वेषण या उच्चाटन कार्य में वसठा लगता है। तो ऐसे इस बीजों को सिद्ध करके, बीजों से कार्य लेने के लिए, आप जब किसी का संकल्प लेकर के, ये सब मंत्र बोल करके आप जब उसका पूर्ण आहुति करेंगे, तो उसका ऐसा ऐसा अभी ऐसा ऐसा फल आता है। तो आज के लिए इतना ही। ये पांच बीज मंत्र है, इसको आप लोग ऐसा मान ले कि अगर इस पांच बीज मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, तो साधना क्षेत्र में आपके आपके लिए मार्ग सरल हो जाएगा। उसके बाद तो करोड़ों मंत्र हैं, सारे मंत्रों को आप बैठ के सिद्ध करते रहिए। अगले महीने का जो साधना ग्रुप है वो शुरू हो चुका है, उसका एनरोलमेंट शुरू हो चुका है, जिसको साधना का बेसिक नियम सीखना है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। ये पेड ग्रुप है, जिसको मुझसे बात करना है वो
वो मुझे कॉल मी फॉर ऐप पे डायरेक्टली फ़ोन कर सकता है। इंडिया, यूएस और कनाडा में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जिसको अपॉइंटमेंट लेना है, ऊपर वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा है, इसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, आप वहाँ जा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पंच देवता आप लोगों को हमेशा सुखी, समृद्ध और धनवान रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग खा दे।